नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभी अभ्यास दो कर रहे हैं। अभ्यास दो में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग ने स्टेप वन पे स्वयं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। तो स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए हमने स्वयं की क्रियाओं पे ध्यान दिया। और ये पता लगता है अपने आप को कि मुझे अपने होने का पता अपनी क्रियाओं को देखने से लगता है। शरीर को देखते हुए हमने शरीर से सूचना मिल रही है संवेदना के रूप में, उसको पहचानने का काम किया। तो ये दिखता है कि मुझे शरीर का होने का पता संवेदनाओं से चलता है। फिर इसमें ये भी बात अपने देखने में आती है कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। ये अभ्यास हमने स्टेप वन पे किया था। स्टेप टू पे जो मैं और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। तो दिखता है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ, जो एक सूचना है। शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं जिसे मैं पढ़ता हूँ, ये संवेदनाएं भी सूचना है। और मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है सिर्फ सूचनाओं का हो रहा है, इसमें कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। इसी क्रम में स्टेप थ्री में हमने ये देखना शुरू किया कि जो भी मेरे और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है उसका निर्णय कौन ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल देखने का समझने का प्रयास करते रहे। तो कल जो हमने असाइनमेंट लिया था उस क्रम में यदि किन्हीं का कोई प्रश्न बना हो, कोई बात ध्यान में आई हो तो रख सकते हैं यहाँ पर। तो कल हम लोगों ने ये भी तय किया था कि हम शरीर के हर अंग में हो रही संवेदना को देखने का अभ्यास करेंगे। किसी भी अंग को चुनकर उसमें हम देखेंगे संवेदना हो रही है कि नहीं। तो ये पता लगता है कि पहले तो हमें ऐसा लगता है यहाँ कोई संवेदना नहीं है, परंतु जब हम उसका चयन करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं तो वहां संवेदना दिखने लगती ना। ये बात अपने ध्यान में आई थी, इसको अभ्यास पूर्वक भी देखना था। वैसे ही ये भी हम देखने का प्रयास करते रहे हैं कि जो भी मैं शरीर से हरकत करता हूँ उसमें शरीर को कोई संकेत दे रहा हूँ कि नहीं, और दे रहा हूं तो उसमें निर्णय किसका है। तो अपने आप हो रहा है या मैं कोई संकेत दे भी रहा हूँ और दे रहा हूँ तो उसमें निर्णय मेरा है नहीं है। इन बातों को अपने को ऑब्जर्व करना था। जी भैया, इसके मैं ये पूछ रही हूँ कि जो नींद में, जैसे कल मुझे मॉर्निंग स्कूल जाना था और मैंने रात में सोचा कि इतने बजे उठना है, और मेरी नींद मतलब लगभग 3 बजे से खुलने लगी, फिर 1 घंटे बाद खुली, फिर मतलब 3 बार खुली, और जस्ट मैं उठी गई 5:30 5 बजे। तो मैं कि ये कौन सी स्थिति है, कि वो नींद की कौन सी स्थिति है, मैं का मतलब उसमें, वो तो मुझे थोड़ा सा मालूम है कि चैतन्यता में वो बना रहता है और इंस्ट्रक्शन दे दिए शरीर को, बॉडी को, तो बॉडी मतलब थोड़ा नींद की स्थिति को बताइए, समझाइए आप थोड़ा सा। जी देखिए, नींद में ये होता है कि शरीर में थकान है तो जी शरीर को आराम देने का मैं निर्णय लेता हूँ, परंतु मैं वहां पे भी देखता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। शरीर को आराम देना मेरा पहला प्रायोरिटी है या कुछ और? तो अगर लगता है कि पहली प्रायोरिटी शरीर को आराम देना नहीं है तो फिर अपने आप को कहीं लगाए रखता हूँ, शरीर को भी उसमें लगा देता हूँ। तो शरीर की अपनी भी एक स्थिति होती है, एक सीमा से आगे शरीर काम नहीं कर सकता। मैं चाहे उसको लगाए रखने का निर्णय लूँ तो भी, तो उसके बाद शरीर मूर्छित जैसा हो जाएगा, अस्वस्थ जैसा हो जाएगा। तो जो नींद है उसमें देखें तो शरीर की एक अवस्था है, परंतु उसमें मेरा निर्णय शामिल है, उसमें मेरी स्वीकृति शामिल है। जैसे आप किसी कमरे में सो रहे हो, है ना, अब कोई कह दे कि काला सांप इधर कमरे में घुसा है, ठीक है, अब आप देखिए आपकी नींद की क्वालिटी क्या होती है कि नहीं। तो आपको शरीर को आराम तो देना है, बट वो निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण वहां पे ये है आपके लिए कि ये काला सांप है ना बेड पे ना आ जाए और काट ना ले। तो अब आप शरीर के थके होने के बावजूद शरीर को आराम देने का निर्णय नहीं लेते, जगे रहते हैं, या कहीं ना कहीं शंका से शंका बनी रहती है कि कुछ हो ना जाए, तो नींद कच्ची रहती है, छोटी सी आहट पे कुछ भी हो जाए उठ जाते हैं। तो शरीर थका हुआ है तो शरीर की अपनी एक स्थिति है, परंतु शरीर को आराम देना है ये मेरा निर्णय है। जी बिल्कुल। तो जी मतलब जो जो सोच लेते हैं, मतलब मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे इतने बजे उठना है, तो
हाँ उसी कारण से वो 3 बार नींद खुलती है। वही, उसमें क्या हुआ, आपने निर्णय लिया कि इतने बजे उठना है, तो उसके साथ एक कहें तो एक भाव भी बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि न उठ पाए, लेट हो जाए। जी ठीक, उसी क्रम में शरीर उठाते रहते हैं, जब भी थोड़ी सी कच्ची नींद होती है तो उठ के बैठ जाते हैं, फिर टाइम देखते हैं, तो ऐसा तो होता ही है। तो जी मैं की एक स्वीकृति ये भी है कि कहीं लेट ना हो जाए, उसका शंका वो तो भय भी दिखती हो सकता है कि कहीं लेट ना हो जाए। जी जी भैया, वो तो दिखती है, मतलब जी चैतन्यता में वो बना रहता है निर्णय, है ना, हाँ इसलिए वो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देती रहती है, जी, मतलब एक बार दे दिया तो वो बना रहता है बॉडी में, इसलिए। हाँ मतलब उसमें शरीर को आराम देने का भी निर्णय है और समय से उठने का भी निर्णय है अपने पास, तो ये जी निर्णय बनता है कि शरीर को आराम तो देना है बट एक सीमा से आगे नहीं। अब वो सीमा कहाँ है वो तो मैं तय नहीं कर पा रहा, कोई तो घड़ी को जी देख नहीं पा रहा, घड़ी को तो आंखों से ही देख रहा है, जी तो शरीर को उठाता है, फिर उठाता है कहता है घड़ी देखो, तो घड़ी देखते हैं, पता चलता है अभी 5 नहीं 3 ही बजा, फिर सो जाते हैं, फिर उठाते हैं कहते अभी नहीं 4:15 बजा है, फिर सो जाते हैं, फिर उठाते हैं कोई 4:30 बजा है, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो शरीर को मतलब आराम तो देना बॉडी है में, परंतु एक सीमा से अधिक नहीं। मतलब सोने की स्थिति में बॉडी में चैतन्यता बनी रहती है ना, नहीं तो मृत बॉडी हो में जाएगा वो। चैतन्यता नहीं है, रुके रुके, बॉडी में चैतन्यता नहीं है, तो जी उसको अगर सही शब्द है तो बॉडी में जीवंतता है, जी शरीर जीवंत रहता है ना, मेरे से अस्तित्व में, तो शरीर जीवंत रहता है, तो शरीर में जीवंतता तो बनी हुई है, परंतु तो शरीर को जगाए रखना है या सुसुप्त रखना है, सोए रखना है, ये मेरा जी निर्णय है। तो शरीर की जी अपनी एक भैया सीमा भी होती है, साथ में मेरा निर्णय भी होता है। जी भैया, हुआ जी क्लियर हुआ, थैंक यू भैया। भैया, जब हम कहीं जा रहे हैं अपना शारीरिक अवस्था ये कहता है कि हमें कुछ आइटम नहीं खाना है, लेकिन हमारे सामने परोसा जाता है, उस वक्त हमारे अंदर शारीरिक संकेत आते हैं जैसे सलेवा आना, ये क्या हम अवेयर नहीं है इसलिए आ रहा है, या ये शारीरिक प्रक्रिया होती ही है? देखिए, मुंह में जो लार आता है भोजन को देखकर, तो आप पाएंगे कि मेरे अंदर एक स्वीकृति बनी हुई है कि ये भोजन खाने योग्य है, स्वादिष्ट है, इसे सुख मिलेगा, तभी आएगा। तो स्वीकृति मेरे अंदर बनी हुई है, शरीर में लार आता है, जैसे अगर कोई भोजन वही भोजन हो परंतु मेरे अंदर अस्वीकृति हो, इसको नहीं खाना है, कोई कहे तो भी नहीं खाना है, तो लार नहीं आएगा। तो हो सकता है हमने अपने आप में सोचा जरूर है ये नहीं खाना है, जैसे किसी को डायबिटीज है और उसको मीठा नहीं खाना है, ठीक है ना, ऐसा कहा गया है, डॉक्टर ने कहा है, घर वालों ने कहा है, परंतु सोचिए कि उसको तो डायबिटीज हुआ कैसे, उसका एक मेजर कारण है कि खूब मीठा खाने से हुआ होगा, तो मीठा खाने का एक अभ्यास है, उसके आस्वादन की एक अभ्यास, एक उसकी स्वीकृति बनी हुई है कि खाने से सुख मिलता है, मीठा खाने से। अब वो मीठा सामने आ गया तो फिर विचार ये रहता है कि भाई खाओगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा, जो भी परेशानी है बढ़ जाएगी, ठीक है ना, परंतु यानी शुगर बढ़ जाएगा, परंतु अंदर में ये भी आस्वादन बैठा हुआ है कि खाने से सुख तो मिलता है, तो सलाइवा आने लगता है, लार आने लगता है, ऐसा रहता है। परंतु यदि स्वयं में ही उसके प्रति एक अस्वीकृति हो, जैसे वही अगर कुछ मीठा के बजाय कुछ मान ली चटपटा आ रहा है जिसको खाने का कोई अभ्यास ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रिंक नहीं करता, उसके सामने शराब आए, इसके अंदर बिल्कुल ये लार नहीं आएगा मुंह में, कोई ड्रिंक करता हो उसका अभ्यास हो और फिर सामने शराब आ जाए तो सलाइवा आएगा। तो इन दोनों स्थितियों में देखें तो एक मैं का अभ्यास है, उस आस्वादन का वो इसमें जुड़ा हुआ है, उस अभ्यास के आधार पर शरीर में एक प्रभाव उत्पन्न होता है, ऐसा है। अभी जो शरीर और माइंड के बारे, चैतन्य के बारे में चर्चा हो रही है भैया, तो उसपे मेरा ध्यान जा रहा है कि जब हम सोने जाते हैं, या जैसे निर्धारित समय 10 बजे का अभ्यास है, 8 बजे ही कभी कभी नींद आने लगती है, आंख बोझिल होने लगता है, तो ये जो परिस्थिति में हम आंख बंद करने का निर्णय भी तो मेरा ही होता है।
और फिर बिछावन पर जाकर सो जाना है। जब सो जाते हैं तो नींद की विभिन्न अवस्थाओं में, गाढ़ी नींद में है या हल्की नींद में है, उस समय भी सेल्फ बॉडी को डायरेक्शन देता है कि जगना है या नहीं जगना है। तो जब गहरी नींद में रहते हैं तो उस समय तो ज्ञान नहीं रह, मतलब आभास नहीं होता है कि कुछ हो रहा है, बहुत तेज आवाज या कुछ इस तरह की घटना होती है तब नींद खुलती है। तो उस समय जब गाढ़ी नींद में रहते हैं तो उस समय चैतन्य के का क्या काम रहता है, मतलब किस तरह से जुड़ाव रहता है? उस समय जो मेरे और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है सूचना का जी, वो काफी शिथिल हो जाता है, काफी मध्यम हो जाता है। तो उस दौरान अगर शरीर में कोई घटना हो तो मुझे इसकी जानकारी कम मिलती है, परंतु ये स्वीकृति तब भी बनी रहती है कि शरीर को संरक्षण देना है। ठीक। अच्छा। उस दौरान भी यदि कोई तीव्र संवेदना आए ना, जैसे पैर में कोई चोट लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत गाढ़ी नींद में आप हैं जी, बट आपने सोते सोते पैर कहीं फेंका और पैर किसी नुकीली वस्तु पे जाके गिर जाए, ठीक, टूट के बैठ जाएंगे जी उस गाढ़ी नींद में भी। परंतु उसी गाढ़ी नींद में अगर आपका पैर रजाई से बाहर निकल गया और ठंड लग रही है पैर में, बाकी शरीर में नहीं लग रही, तो हो सकता है कि आप उठ के ना बैठे। तो संवेदना कितनी तीव्र है इससे हम तय करते हैं कि शरीर को आराम दिए रहना है या नहीं देना है। संवेदना बहुत तीव्र है तो फिर शरीर को उठा लेते हैं, क्योंकि तीव्र संवेदना से हम ये तय करते हैं कि शरीर में कुछ बहुत ही प्रतिकूल स्थिति बन गई है। तो नींद शरीर की एक आवश्यकता है, आराम शरीर की एक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करना है कि नहीं करना है, ये मेरा निर्णय। अच्छा। और रात में अनायास नींद खुल गई किसी चिंता में रहने के कारण, तो वो जो नींद खुलती है भैया उस समय चैतन्य और शरीर का जुड़ाव तो रहता ही है, लेकिन जो संवेदना का आदान प्रदान होता है, और नींद खुली है फिर उसके बाद नींद नहीं आ रही है, तो ये सोने का और जगने का निर्णय तो सेल्फ का ही होता है। तो फिर कभी बेचैनी भी महसूस तो सेल्फ में होती है, शरीर में तो नहीं होती है। तो ये बेचैनी का होना सेल्फ में, ये किस तरह शरीर को प्रभावित करता है? तो उसके कारण नींद में या उसका जो आराम देने का या संरक्षण का अभाव है उसमें थोड़ी शिथिलता आती है। हाँ, तो देखिए अब जिसको बेचैनी कह रहे हैं ना, तो बेचैनी भी दो प्रकार से देखी जा सकती है, एक तो शरीर में भी हो सकता है, एक मैं में भी हो सकता है। अच्छा। तो शरीर में मतलब ये हुआ कि बहुत तीव्र संवेदना आ रही है, जैसे शरीर में कोई प्रतिकूल घटना घट जाए, कट जाए, फट जाए, ठीक ना, चोट लग जाए, तो शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको भी एक बेचैनी का नाम दे सकते हैं। अच्छा। तो वो शारीरिक है, परंतु एक मैं में बेचैनी है। अब बेचैनी का वैसे मतलब तो बेचैन, चैन नहीं है जी, चैन नहीं मतलब कि आराम की स्थिति में नहीं है जी। तो शरीर को आराम दे रहे हैं बट शरीर आराम की स्थिति में नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को माइग्रेन हो, ठीक है ना, अब वो शरीर को आराम देना चाह रहा है बट सिर में भारी चुभन है जी, ठीक, तो नहीं आराम दे पाएगा वो। मतलब उसके अंदर निर्णय तो हो गया कि शरीर को सुलाना है बट नहीं सो पा रहा है, तो शरीर में भारी संवेदना आ रही है, तीव्र संवेदना आ रही है। दूसरा मैं में हो सकता है कि कल सुबह हो सकता है कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सुबह सुबह और उसका परिणाम अनिश्चित है। जैसे कोई व्यक्ति हो, वो मुकदमा लड़ रहा हो, कल सुबह उसे फैसला आना है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि रात की नींद खराब हो जाए, बेचैनी है, फैसला मेरे पक्ष में होगा कि दूसरे के पक्ष में होगा, लंबा प्रयास किया है, पता नहीं पक्ष किसका बनेगा, तो उस कारण से भी नींद खराब हो सकती है जी। जी भैया, स्पष्ट हुआ। नमस्ते भैया। जी जी, बढ़िया भैया। तो इसको हम लोग अभी 10 मिनट थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं अपने आप में, इसको देखना है ना कि शरीर को संकेत देने का निर्णय मैं लेता हूँ, संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी मैं ही लेता हूँ, जिस संवेदना को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उस संवेदना को पढ़ने का निर्णय लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि
10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं शरीर को, और शरीर के किसी भी अंग को चुनकर वहां संवेदना को पढ़ने का काम करते हैं, कुछ संवेदना है कि नहीं, ठीक है ना। संवेदना है तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट में हम लोग ऐसा करेंगे, शरीर का कोई भी अंग चुन लीजिए और वहां संवेदना को पढ़ करके देखिए, और देखिए कि मेरे निर्णय से मैं पढ़ पाता हूँ कि नहीं। जब मेरा निर्णय नहीं था तो वहां कोई संवेदना नहीं लग रही थी, अब मेरा निर्णय है, संवेदना हो रही है, मैं उसको पढ़ भी पा रहा हूँ। इस बात को अपने आप में ऑब्जर्व करना है जी। 10 मिनट का समय लगाएंगे। जी बढ़िया। इन 10 मिनटों में हम लोग शरीर के किसी भी अंग को चुनकर उसमें संवेदना को देखने का अभ्यास करते रहे, और या देख पा रहे होंगे कि पहले तो लगता है वहां कोई संवेदना नहीं है, परंतु यदि मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे शरीर के इस अंग में संवेदना को पढ़ना है तो वो मैं पढ़ पाता हूँ, वहां संवेदना मुझे दिखाई देने लगती है। तो इसको अगर हम और आगे देखें तो कुछ बातें और ध्यान में आती हैं। तीन शब्द लिखे हैं, दृष्टा, कर्ता और भोक्ता। दृष्टा मतलब देखने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, भोक्ता मतलब भोगने वाला। तो मैं देखता हूं, शरीर नहीं देखता, और देखने का निर्णय मेरा होता है। जैसे अभी हम लोगों ने संवेदना को देखने का अभ्यास किया, उस संवेदना को पढ़ने का अभ्यास किया, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, निर्णय मेरा रहा है। तो आवश्यकता अनुसार शरीर में, शरीर को देखने के लिए मैं प्रयोग करता हूँ अपने 5 इंद्रियों का, बट देखने वाला मैं हूँ। तो शरीर में जो घटना हो रही है वो भी मैं देख रहा हूँ, संवेदना को पढ़ रहा हूँ, ठीक। शरीर से बाहर जो घटना हो रही है उसको मैं ही देख रहा हूँ। तो जैसे हम, हमारे सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना, बट सिर्फ सामने वो व्यक्ति नहीं है, सामने 1000 चीजें हैं, बाकी चीजों का मुझे पता नहीं है क्या है कैसा है, बट उस व्यक्ति पे ध्यान है तो मैं उसको देखता हूँ कि हाँ देखो मेरे परिवार का सदस्य आ रहा है, ठीक। और यहां तक देखता हूँ कि उसके चेहरे, चेहरा कैसा भी, उदास है, खुश है, प्रसन्न है, नहीं है, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं नहीं देख रहा हूँ। आंखों में चित्र तो सबका बन रहा है, मैंने निर्णय लिया है कि मुझे अपने बच्चे की ओर ध्यान देना है, स्कूल से आ रहा है, चेहरा उदास है या प्रसन्न है। तो देखने वाला मैं हूं, मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे किस ओर ध्यान देना है, और आंखों में तो चित्र बन रहा है, 1000 चीजों का बन रहा है, उस बच्चे के साथ, और भी हो सकता है उस बच्चे भीड़ में जो आ रहे हैं उसके साथ, ठीक, उधर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आसपास पेड़ पौधे पशु पक्षी भी हो सकते हैं, उन पर उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं उस बच्चे के चेहरे पर ध्यान दे रहा हूं। तो आंखों में तो रूप इन सारी वस्तुओं का बन रहा है, जिधर मैंने ध्यान दिया उसको मैं पढ़ता हूँ, उसको मैं देखता हूँ। तो देखने का निर्णय भी मैं लेता हूँ, इस प्रकार मैं ही दृष्टा हूँ, शरीर का साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ। तो आप पाएंगे आंखों से जो रूप का स्वादन कर रहा हूँ उसमें निर्णय मेरा है, ठीक है ना। आप कान से कोई ध्वनि सुन रहे हैं, बहुत सारी ध्वनि आ रही है, जैसे घर में है ना, बहुत सारे लोगों के फोन रखे रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करिएगा, और आपका एक रिंगटोन होता है, हो सकता है आपने बहुत उसका जो वॉल्यूम है कम कर रखा है, परंतु आप खाना खा रहे हैं, रिंगटोन बजा तो आपको पता लग जाता है कि आपका फोन बजा, और बहुत सारी आवाज आ रही है कमरे में, उस पर आपका ध्यान नहीं है, किसी और का फोन बजता है, आपका ध्यान नहीं है, आप कहीं भीड़ में हैं, ट्रेन में हैं, ठीक, मार्केट में हैं, कई लोगों के फोन बज रहे होते हैं, आप ध्यान नहीं देते, आपके फोन की घंटी बजती है, आप ध्यान देते हैं। तो ये फोन की घंटी पे ध्यान देना है, ये निर्णय भी आप ही का है, आप ही दृष्टा है कि नहीं। तो संवेदना को पढ़ने का निर्णय आपका है। ऐसे ही आप देखें तो जीभ से कोई स्वाद मिल रहा है, त्वचा से स्पर्श मिल रहा है, नाक से गंध मिल रहा है, ठीक, तो उसको भी हम निर्णय देते हैं, निर्णय लेते हैं उसका,
संवेदना को पढ़ते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं, संवेदना को नहीं पढ़ते। जैसे आप ध्यान देंगे तो कमरे में कोई ना कोई गंध तो हमेशा आएगी, ठीक, आपके लिए गौण है वो। परंतु यदि कुछ अभी स्वादिष्ट खाना बन जाए और उसका गंध आता है तो आप उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण लगता है। वैसे ही स्पर्श को आप देखें तो अगर आप देखें तो गर्मी में एक तरह का तापमान रहता है, ठंड में एक तरह का तापमान रहता है। अगर गर्मी में अचानक वो तापमान आ जाए शरीर के चारों तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल आप गर्मी के मौसम में फ्रिज खोलें तो जो अंदर से वो गैस निकलती है उसका जो तापमान होता है वो लगभग ठंड में जो तापमान होता है उसके आसपास ही रहता है, तो आप उसको तुरंत पढ़ते हैं ना, उसका आपको पता लगता है कि फ्रिज से ठंडी गैस निकल रही है। ठंड के मौसम में है ना, ये चारों तरफ ऐसी ही गैस है, हवा है जिसमें इतनी ठंडक है। अब आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक स्वीकृति होगी, ठंड का मौसम है, ठंडी हवा तो चलेगी, शरीर को संरक्षण दे दिया, अपने काम में लगे रहते। वैसे जीभ के स्वाद का भी मुद्दा है, आप खाते हैं ठीक, उसमें 10 तरह के व्यंजन पड़ेंगे, सबका स्वाद मिल रहा है, बट जैसे आपने कह रखा हो कि आज हलवे में भाई इलायची डालना है आपको खाना बनाने में, और इलायची का गंध आपको, इलायची का आपको स्वाद मिलता है, आप सब पकड़ लेते हैं हाँ इलायची पड़ा है, बाकी सारा स्वाद मिल रहा है वो ठीक है। तो आप पाएंगे कि जो शरीर से संवेदना मिल रही मुझे उसको मैं पढ़ता हूँ, उसका निर्णय मेरा होता है, उसको देखने वाला मैं होता हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ। नहीं, शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करता हूं, वैसे ही करने का निर्णय भी मेरा है। जो बात हो रही थी कि जो भी शरीर से मैं हरकत करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, लेटते हुए करवट बदलता हूँ, हर आधे मिनट एक मिनट पे कुछ ना कुछ शरीर से हरकत करता हूँ, बैठे हैं कुछ नहीं तो वही उंगली बजा रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, कोई टेबल रखा उसमें तबला बजा रहे हैं ये सब बहुत सारी हरकतें हम लोग करते रहते हैं। तो देखिए तो सारे निर्णय तो मेरा ही है, शरीर अपने आप नहीं कर रहा। ये भी हम लोग देख पाए थे कि जो मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय भी मेरा ही है, तो मैं ही करने वाला हूँ, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को संकेत देता हूँ, इसलिए मैं ही करता हूँ, और सुखी दुखी भी मैं ही होता हूँ। शरीर में घटना अनुकूल हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है, ठीक, उससे सुखी होना नहीं होना है, दुखी होना नहीं होना है, ये निर्णय भी मेरा है, और सुखी दुखी भी मैं ही होता हूं, शरीर नहीं। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करिए तो ये बातें और स्पष्ट होगी आपको कि शरीर सुखी दुखी नहीं होता। हाँ, शरीर में जो संवेदनाओं की स्थिति है वो अनुकूल या प्रतिकूल होती है, शरीर में जो घटनाएं होती हैं वो स्वास्थ्य के अर्थ में होती हैं या स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं होती है, तो पीड़ा है, घाव है, चोट है, सुखी दुखी मैं होता हूं। इस बात को हमको अपने आप में ऑब्जर्व करना है कि क्या मैं ही देखने वाला हूं, समझने वाला हूं, क्या मैं ही संवेदना को पढ़ने वाला हूं। तो शरीर में आप पाएंगे कि शरीर के साथ हम तीन प्रकार से क्रियाशील रहते हैं। जैसे कुछ तो मेरे अंदर ही भाव विचार चल रहा है, वो तो मेरे अंदर शुद्ध रूप से चल रहा है, ठीक, उसको मैं सूचना शरीर तक देता भी नहीं। इतना जरूर है कि यदि वो भाव विचार सुखद नहीं है तो उसके बाद मैं आराम में नहीं, तो शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, परंतु वो भाव विचार मुझ में चल रहा है। दूसरी तरह क्रिया है जहां पे शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, ठीक, और मैं उसको होने देता हूँ, मेरे अंदर स्वीकृति है, सांस चल रही है, चलती रहे, ठीक है, हृदय धड़क रहा है, धड़कता रहे, रक्त दौड़ रहा है शरीर में, दौड़ता रहे, मेरे अंदर उसकी स्वीकृति है।
मैं स्वीकृति को बनाए रखता हूँ, शरीर में इसको अलाउ करता हूँ, होता रहे। तीसरी तरह की क्रिया जहां मैं शरीर के साथ जुड़कर कार्य करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, इसमें दोनों की भागीदारी होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, क्या बोलना है ये निर्णय मेरा है, परंतु बोलने में शरीर की भागीदारी तो है। जब मैं कोई बाहर से कोई चीज सुन रहा हूँ तो सुनना है ये निर्णय मेरा है, शरीर की भागीदारी तो है। तो जहां भी हम ज्ञान इंद्रियों का या कर्मेंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें मैं और शरीर इन दोनों की भागीदारी है, परंतु निर्णय मैं का है। शरीर में कोई निर्णय हो भी नहीं सकता, शरीर तो जड़ है, मानने की क्रिया है ही नहीं। निर्णय वहां है जहां मेरे मानने से पहचानना बदल जाए। मेरा मानना बदल गया तो पहचानना बदल गया, तो वहां पे निर्णय है। जहां मानना है ही नहीं वहां मानना बदलेगा कैसे, बदलेगा ही नहीं। तो जो मैं ज्ञानेन्द्रियों से या कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रिय मतलब जो हम हाथ है, पैर है, मुंह है, तो जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम कार्य करते हैं, तो उसमें मेरी भी भागीदारी है, शरीर की भागीदारी है। जो ज्ञानेन्द्रियों से मैं सूचना ले रहा हूं उसमें शरीर की भागीदारी है, मेरी भी भागीदारी है। परंतु शरीर में कुछ क्रिया हो रही है उसको मैं बार बार निर्णय नहीं ले रहा हूँ, स्वीकृति बनी हुई है। हाँ भाई, सांस चलती रहे, ठीक ही बात है, जो रोक दिया जाए। ऐसे मुझे कोई विचार चल रहा है वो मैं अपने आप कर रहा हूँ, शरीर को आवश्यकता अनुसार सूचना देता हूँ। इन बातों को अपने आप में ऑब्जर्व करना है, इन बातों को हमको अपने आप में ऑब्जर्व करना है, देखना है कि मैं किस प्रकार दृष्टा हूँ, किस प्रकार भोगता हूँ, किस प्रकार करता हूँ। जी, इतनी बात को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं, समय थोड़ा है। तो आज अपने को दृष्टा रूप में देखने का प्रयास करें कि नहीं। तो मैं ही देख रहा हूं, कैसे इसको तो हमने देखा था कि शरीर में जो संवेदना हो रही है उसको मैं ही पढ़ रहा हूं, उसको और विस्तार से और गहराई से देख सकते हैं। यदि हमने देखा था शरीर से धीमी गति में हरकत करके कि मैं ही कर रहा हूं, मेरा ही निर्णय है, तो इसको और विस्तार में जा सकते हैं, इसको और विस्तार से देख सकते हैं। तो आज के लिए असाइनमेंट रहेगा अपने को दृष्टा के रूप में, भोक्ता के रूप में, कर्ता के रूप में देखने का।